जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। कारण ये है कि आज जिन प्रश्नों को लिया गया है, प्रश्न उन्हीं के मुख से आपको सुनने का मौका मिलेगा जिनके वो प्रश्न थे। आपको पता है रिसेंटली हमारी संख्या 1,00,000 क्रॉस कर गई है, तो ऐसे में ALS की पूरी टीम ने सोचा कि आप लोगों के प्रश्न आप ही की जबानी में, आप ही के वीडियोस की फॉर्म में हम लें और उसको अपने इस चैनल पर टेलीकास्ट करें, लोगों को बताएं। तो हमने इंस्टाग्राम पर आप लोगों से क्वेश्चन मांगे थे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से 3-4 क्वेश्चंस को अभी सेलेक्ट किया गया है और ये इसी सीरीज इसी तरह चालू रहेगी आगे। आप भी अगर भेजना चाहे अपना कोई प्रश्न, आपको लगता है ज्योतिष संबंधित है, टेक्निकल है, व्यक्तिगत क्वेरी नहीं है, तो आप अपना वीडियो शूट करके जिसमें आप अपना नाम और लोकेशन भी बताएं हमें भेज दीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन प्रश्नों को ज़रूर लें जिससे और लोग भी उस प्रश्न से सीख पाए। तो आइए और विलंब न करते हुए देखते हैं क्या क्या प्रश्न इस बार हमारे पास है। ये पहला प्रश्न है शोभा खड़गी जी का, जो थाने महाराष्ट्र से हमसे पूछती है। प्रणाम। मेले के प्लैनेट केंद्र में आकर शुभ फलदायी बन जाते हैं, पर अगर किसी पत्रिका में पापी ग्रह जो मारक है लेकिन वह केंद्र में आ जाए तो उसका फल कैसे होगा, वो शुभ माना जाएगा या अशुभ माना जाएगा, प्लीज बताइएगा सर। तो शोभा जी का प्रश्न है कि पापी ग्रह केंद्र में आके शुभ माने जाते हैं, ऐसे में अगर मारक ग्रह पापी भी हो तब केंद्र में आए तो उसको शुभ मानेंगे या अशुभ? देखिए, बहुत सीधा सा इसका जवाब है, पापी ग्रह केंद्र में बैठना शुभ नहीं माने जाते, पहली बात तो ये है। क्रूर ग्रह यदि लग्न में विराजित हो तो उनको शुभ नहीं माना गया। तो किसे शुभ माना गया है? अगर केंद्र का स्वामी क्रूर ग्रह हो तो उसको शुभ माना गया है। उदाहरण के लिए, अगर केंद्र में किसी क्रूर ग्रह की राशि आती है तो उसको तो माना गया है कि क्रूर ग्रह का केंद्र में राशि का स्वामित्व होना शुभदायक है या इतना अशुभ नहीं है जितना कि केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह होता तो बनता। आप लोगों ने केंद्राधिपति दोष के बारे में सुना होगा, तो उसमें बताया जाता है यदि केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वामी, तो अगर वो स्वामी नहीं है, केंद्र में बैठा है, तो आप उसे शुभ नहीं ले सकते। तो पहले तो ये बात। दूसरी बात जो शोभा जी ने कही वो ये कही कि अगर वो मारक भी हो जाए तो, मारक भी हो जाए तो और बुरा है, पहले ही केंद्र में क्रूर ग्रह का बैठना शुभ नहीं माना जाता, ऐसे में अगर वो बैठ जाता है, मारक होके बैठ जाता है, तो स्थिति गंभीर हो जाती है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, केंद्र में भी दशम भाव में शनि के अलावा बाकी क्रूर ग्रहों का बैठना शुभ माना गया है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर दशम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है तो इट इज़ गुड साइन फॉर योर करियर ओवरऑल ग्रोथ, पर अगर उसके अलावा कहीं बैठा है और लगन को देख रहा है या लग्नेश को देख रहा है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। आइए अब शोभा जी का अगला प्रश्न भी लेते हैं। सर प्रणाम। किसी भी पत्रिका में अगर योग कारक ग्रह लग्नों को देख रहा है और वही पत्रिका में मारक प्लैनेट लग्नेश को देख रहा है तो इसका फलित में कैसे यूज करेंगे हम, किसको अच्छा माना जाएगा, योग कारक को या मारक का प्रभाव लेना पड़ेगा, प्लीज बताइएगा। देखिए, यहाँ पर शोभा जी ने क्या पूछा कि लग्न को योग कारक देख रहा है, लगन के स्वामी को मारक देख रहा है। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं कि मान लीजिए लगन में तो शुभ ग्रह बैठे हैं जो कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन लगन लॉर्ड ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मैलेफिक है, बुरा परिणाम देने वाले हैं। ऐसे में किसको इम्पोर्टेंस दे किसको ना दे, तो बहुत सामान्य सी बात है शोभा जी। इसमें आपने क्या करना है कि जो योग कारक है और जो मारक है उन दोनों में से देखिए बली कौन है, जो ज़्यादा बली हो उसके प्रभाव को लीजिए। क्योंकि देखिए कुंडली बहुत सिंपल नहीं होती है, आपने देखा होगा बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें लगन पर, लगन के स्वामी पर सब जगह शुभ 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 ही फल मिले। डेफिनेटली हम सब वो उस तरह के कुंडलियों को ज़्यादा देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पर लगन को तो कोई शुभ देख रहा है, लग्नेश को कोई क्रूर देख रहा है या वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है, तो हम कन्फ्यूज़ कि इसको लें या उसको लें। तो जिसके पास ज़्यादा बल है उसका प्रभाव आपको ज़्यादा लेना है, चाहे वो योग कारक का हो चाहे वो मारक का हो, तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जय श्री राम नितिन जी, मेरा सवाल यह है कि राहु और केतु अगर डबलिटेटेड है तो उसका भी बीज भंग होता है क्या?
फॉलोइंग द सेम रूल्स एज फॉर अदर प्लैनेट्स और निज भंग राजयोग भी होता है क्या, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सर, मैं डॉक्टर शैलेश राय हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। जय श्री राम शैलेश जी। डॉक्टर शैलेश जी, आपने ये प्रश्न पूछा कि भाई राहु केतु का भी नीच भंग होता है क्या और क्या नीच भंग राजयोग भी क्रिएट होता है क्या। तो देखिए, पहले तो राहु केतु की उच्चता नीचता पर मेरा ज़्यादा अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। राहु केतु को देखने के दूसरे तरीके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो वाटरी साइन में है या एरी साइन में है, कुंडली में केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। राशि के गुणधर्म से उसकी उच्चता नीचता मैंने पर्सनली देखने में मुझे नहीं मिली। इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि शास्त्रीय ग्रंथों में बिना राहु केतु की पहले तो उच्च नीच राशि को लेकर ही कुछ जगह पे मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं वृषभ राशि में उच्च का होता है, कुछ लोग मानते हैं मिथुन में उच्च का होता है राहु, और इसी तरह केतु का है वृश्चिक को धनु लिया जाता है। और जब हमने इसको सीखा और हमने कहा चलिए अब लगाते हैं इसको, तो नीचता वाले गुण हमें मिले नहीं, बल्कि मैं क्लासिकल बुक एक दो के नाम भूल रहा हूँ जिसमें ये भी बताया गया है कि वृश्चिक का राहु विशेष लाभकारी है। तो ऐसे में अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि राहु वृश्चिक में नीच का हो जाता है, अब ये भी सुनने को मिला कि वृश्चिक में राहु विशेष लाभकारी है। तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, राहु केतु में उच्चता नीचता नहीं लेनी चाहिए। और जब उच्चता नीचता ही नहीं लेनी है तो फिर उसका नीच भंग भी नहीं लेना है, सीधी सी बात है। तो मैं पर्सनली तो नहीं अप्लाई करता हूँ, बाकी अगर आप लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और राहु केतु की उच्चता नीचता लगाते हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर दें कि उन्होंने क्या इसका नीच भंग होते भी देखा है जैसे कि बाकी रूल लगते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नितिन सर नमस्कार, प्रणाम। मैं मनन चौधरी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। आपने एक टॉपिक बोला था कि आप कवर करेंगे आगे, उच्च का ग्रह जो बैठा है उसकी नीच के ग्रह नीच के भाव पे दृष्टि खराब नहीं होती, तो इस पे प्लीज वीडियो बनाइएगा, आपने कहा था। तो वैसे सर मैं व्हाट्सएप पे वो डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड गुड नाइट सर। तो मनन जी का ये प्रश्न है कि अगर उच्च का ग्रह कुंडली में बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि जिस भाव पर आती है वहां वो नीच का हो जाता है, जो स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने कहीं सुना है और काफी लोग मैंने भी सुना है, काफी लोग कहते हैं कि उच्च का ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि जहां डालता है वहां नकारात्मक प्रभाव देता है। देखिए, इसके बारे में मैंने क्या सीखा है, मेरे गुरु का क्या मत रहा है और जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है उसमें क्या लिखा है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जिस भी व्यक्ति ने हाथ से षडबल निकाला होगा उसके दिमाग में ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए। अगर जितने भी ज्योतिषी हैं जिन्होंने मैन्युअली षडबल कभी भी निकाला है ग्रहों का, तो उनके दिमाग में ये सवाल आ ही नहीं सकता कि भैया कोई उच्च का ग्रह सप्तम भाव पे जहां पर भी बैठा है उससे सप्तम भाव पे जहां दृष्टि देगा वहां पे नीचता का प्रभाव देगा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि शास्त्रों में ग्रह के बल और भाव के बल निकालने के लिए एक मेथड बताया गया जिसे षडबल कहते हैं। षडबल में क्या किया जाता है कि जो शुभ ग्रह है उनकी दृष्टि को शुभ लिया जाता है और जो क्रूर ग्रह है उनकी दृष्टि को क्रूर दृष्टि मानकर नेगेटिव लिया जाता है और नंबर कम कर लिए जाते हैं। षडबल में क्या किया जाता है कि क्वांटिफाई किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं कि फलाने ग्रह को षडबल में 200 पॉइंट मिले, 500 पॉइंट मिले, 700 मिले, उसके आधार पर देखा जाता है कौन बली कौन निर्बल है। तो जहां जब भी ग्रह पर या भाव पर अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि आती है तो वहां पर नंबर कम कर लिए जाते हैं, और नैसर्गिक शुभ ग्रह की जब दृष्टि आती है या फंक्शनल बेनिफिट की आती है तो भाव में नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। वहां पर उच्चता नीचता का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। न केवल इतना, मैंने आज तक जितने किताबें पढ़ी हैं उनमें कहीं पर भी उच्च ग्रह के सप्तम भाव पर नीच दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट का मैंने आज तक कोई श्लोक नहीं देखा है। मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा जो लोग ये फॉलो करते हैं, अगर कोई है जो अभी ये वीडियो भी देख रहा हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा श्लोक अगर आप लिखते हैं तो मेहरबानी होगी कि हमें भी कोई नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ, मेरी मति अनुसार जितना मैंने सीखा है उसके आधार पर कभी भी उच्च ग्रह की नीच दृष्टि को नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेतुका कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे ना तो शास्त्रीय कोई बेस मिला है ना षडबल में उसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि षडबल एक ऐसी चीज है जो कि डिटेल में बल निकालने का तरीका है, उससे ज्यादा डिटेल में मेरे ख्याल से और कोई मेथड नहीं है जहां से आप ग्रह की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने वो षडबल नहीं पढ़ा है वो तो जरूर कह सकते हैं उच्च ग्रह है नीच दृष्टि से देख रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कह सकते जिन्होंने भी हाथ से निकाला है।
जैसे मैं अभी एक एग्जांपल चार्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीन लगन की कुंडली है, लग्नाधिपति पंचम भाव में उच्च का बैठा है और इसी गुरु की सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर आ रही है। अब क्या मैं यहाँ ये कहूँ कि लग्नाधिपति बलि होकर लाभ को देख रहा है तो ये लाभ की वृद्धि करेगा, या यूं कहूँ कि एक उच्च का ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से यहाँ पे ग्यारहवें घर में नीचता का प्रभाव देगा। जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है मेरी अल्पमति अनुसार, ये यहाँ पर विशेष लाभकारी है क्योंकि लग्नाधिपति बलि होकर लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है। और न सिर्फ इतना, अगर मैं इसको, इसका मैं अभी यहाँ पर एक टेबल नहीं दी है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या अगर आपको मैनुअली षटबल निकालना आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि के कारण लाभ भाव को सकारात्मक पॉइंट मिले हैं, 37 के आसपास इसका बल आएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं। इसे दृष्टि बल कहा जाता है, दृग बल कहा जाता है। तो मेरी आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आगे से ये उच्च का ग्रह नीच दृष्टि से देख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मत लगाइएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं देखा। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और आपको आनंद आया हो, कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिला हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, यदि ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर नए हैं तो, और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर वो नंबर फ्लैश हो रहा होगा जिस पर व्हाट्सएप पर आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं और ऑडियो भेज सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो भेजेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एडिटिंग टीम के अनुसार वीडियो को एडिट करना उनके लिए आसान है। तो आप जहां पर भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप अपना एक छोटा सा वीडियो बनाइए, तो कोशिश कीजिएगा पीछे से शोर ना आ रहा हो, और उस वीडियो में आप अपना प्रश्न पूछें, कुछ और बात करना चाहते हैं वो बताएं। हम ज़रूर प्रयास रहेगा कि यूट्यूब के इस माध्यम से आपको, आपके उस संदेश को सभी के साथ टेलीकास्ट करें, और जो भी हमारा उत्तर उसको लेकर होगा, प्रश्न को लेकर, वो देने का प्रयास किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब एक ही ग्रह एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव का स्वामी बन जाए तो उसका फलित कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं, हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।